डिंपी का मजा बनेगा उसके लिए सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज तो डिंपी ने अपना भविष्य खुद ही हम सबको बता दिया, क्योंकि हमने भी कई बार ऐसा सुना है, कई अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो दूसरों का तमाशा देखते हैं, मजा लेते हैं, वो खुद एक दिन तमाशा बनते हैं। और आज डिंपी वही कर रही थी। तो बड़े बुजुर्ग तो गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ये बातें आती हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो डिंपी ड्रैगन आज बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई डेली सोप ही देख रही है। और ये खुशी डिंपी की समर को बर्दाश्त नहीं हुई। समर ने उसको पॉइंट आउट किया, समर ने उसको बताया कि ये गलत है। और फिर समर ने प्रैक्टिकलिटी की बात की कि मैं जा रहा हूं ट्यूशन करने के लिए, और डिंपी का उस पर रिएक्शन भी बड़ा ही वियर्ड था। तो डिंपी तो कुछ करने वाली नहीं है, जैसा डिंपी ने कह दिया कि मैं नहीं करूंगी जॉब वॉब, मेरे पास तो इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है घर के अंदर ही। तो उसका जो कॉमेडी के लेवल पे ले तो कॉमेडी अच्छी थी कि वाह अब क्या करेंगी, कॉमेडी अच्छी थी। मगर अगर घर की बात ले तो डिंपी आज जिस बात का मजा ले रही है, डेली सोप है, ऐसे बात कर रही है जैसे अपने परिवार की नहीं किसी और परिवार की, है सच में डेली सोप की बात कर रही है। मगर किरदारों में डिंपी भी एक किरदार है और वो शाह परिवार की बहू है, इसी घर का हिस्सा है। तो ये जो डिंपी ने मजा लिया आज की सिचुएशन का, कल को ये मजा डिंपी के ऊपर ही आने वाला है। क्योंकि जिस तरह समर स्ट्रगल कर रहा है अपने घर को चलाने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, डिंपी उस स्ट्रगल में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। डिंपी को समर मना कर रहा है कि आग में घी मत डालना, अगर देखना है तो बैठ के देखो मगर बोलना कुछ मत, तब भी डिंपी नहीं रुक रही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो हुआ है शाह परिवार में, एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो वाकई में सोचने वाला है और कुछ लोगों को परेशान करने वाला है और कुछ लोगों को मूव ऑन करने की इंस्पिरेशन देने वाला है। मगर इसमें डिंपी को इसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसको सिर्फ अपना मजा मिलने वाला है। और जिस तरह आज समर ने थोड़ा सा डिंपी को कहना शुरू किया है, तो आगे भी समर ऐसा कुछ एड ऑन करके बढ़ता जाएगा। और जिस हिसाब से समर कर रहा है उस हिसाब से समर तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ये डिंपी उसको पीछे खींचेगी। और जब पीछे खींचेगी तो अल्टीमेटली चीजें वर्स होंगी दोस्तों। मगर डिंपी जब ऐसी सिचुएशन में फंसेगी तो ये शाह परिवार इसका साथ देगा, इसके लिए वो सजा होगी कि मैंने तो इनका तमाशा देखा था, ये तो मेरे साथ खड़े हैं। अगर इसमें जमीर तब तक जागा तो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जिसका इतनी देर में जमीर नहीं जागा अब क्या जागेगा। मगर छोटी बहू है इसलिए शाह परिवार इसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि डिंपी जैसे लोगों को कभी भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि ये छोटी छोटी हल्की हल्की बातों पे खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों के जख्मों को देख के खुश होते हैं। बड़ा अजीब लगा, घर के अंदर ही ऐसे, मगर ऐसे होते हैं। ये रियल करेक्टर शायद है डिंपी का, जो घर के अंदर अपनी जेठानी के घर में आग लगी तो देवरानी एंजॉय कर रही है, चलो ठीक है बढ़िया मजा आया, इसने मुझे तब ये बोला था ना आज अपने घर पे आग लगी ना, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन नेचर है जो हर किसी में कम ज्यादा कुछ ना कुछ होती है। मगर डिंपी यहाँ पे जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ये धारावाहिक है इसमें चीजें कुछ और तरीके से आती है सामने, तो डिंपी को इस बात की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। और वो यही सजा होगी कि डिंपी को समर जब सबके सामने डांटेगा और सब लोग वहां खड़े होंगे, फिर डिंपी का देखने वाला हाल होगा कि क्या है। क्योंकि समर डांटेगा डिंपी चुप भी नहीं रहेगी, तो ये चीजें हो सकती है दोस्तों। और सजा के तौर पे तो बहुत कुछ आगे लाइन में है डिंपी के लिए, क्योंकि डिंपी के काम इतने सजा के लायक है कि क्या ही कहने। काव्या ने डिंपी को माफ कर दिया था इतनी बड़ी बात के बाद कि डिंपी की कोई गलती नहीं थी बाप, और डिंपी क्या कर रही है, 1% उसको इस बात की रियलाइजेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए।
आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.